आया यहाँ पे हर पूरा परिवार, आया यहाँ पे हर पूरा परिवार। देखो हम आ गए, देखो हम आ गए, देखो हम आ गए, देखो हम आ गए। ओ भैया, आप लोग हैं कौन? अरे हम हैं तुम्हारे सच्चे रिश्तेदार, यानी कि गंदगी के ठेकेदार। समझे प्रभुदर? अरे पहले मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि आप लोग हैं कौन? अरे हम हैं पॉलिथीन, यानी कि पन्नी, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा। और आप लोग यहाँ पर आए कैसे? अरे भैया सुनो, हम आते नहीं है, हमें लाते आप जैसे कुछ समझदार लोग। समझदार लोग? हाँ। मतलब तुमने बुलाया और हम चले आए, उन्होंने बुलाया और हम चले आए, उन्होंने बुलाया और हम चले आए, उन्होंने बुलाया और हम चले आए, सबने बुलाया और हम चले आए, गंदगी साथ में ले आए। मेरा इस्तेमाल करती है हर क्लास, मेरा इस्तेमाल करती है हर क्लास, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब। मैं हूँ डिस्पोजेबल क्लास। सुनिए, आप लोग भंडारे, जल से रैली, उसमें दूध चाय शरबत बांटते हैं ना, पुण्य तो आप कमाते हैं, लेकिन मुझे वही छोड़ जाते हैं, बस वही से आ जाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका परिचय? मैं हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बोतल पानी पीने वाली। अब आप लोग क्या करते हैं, मैं घर से निकलते हैं कभी पिकनिक पे या काम पे या कहीं पर भी, झट से दुकान दिखे जैसे क्या लगी, भैया दो बोतल पानी दे दो, दो बोतल पानी तो ले लिया, उसके बाद पिया, फिर चलते हुए गाड़ी में उसे इधर उधर फेंक दिया। उस बोतल का साथ सिर्फ कितना 10 या 15 मिनट के लिए बोतल नहीं, लेकिन कबाड़ा जो उसका फैला वो सदियों के लिए। मैं हूँ, वहीं से आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मेरा नाम है प्लास्टिक का थैला।
घर से बाहर निकलते हो, सब्जी खरीदने, फल खरीदने, फूल खरीदने, ये सब मतलब है, और उसके बाद क्या करते हो आप, थैला तो लेके जाते नहीं हो, बस सब्जी वाले से जैसे ही आपने पन्नी मांगी, मैं आपके साथ लटक के आपके घर में आ गया। अब भैया मेरा भी एक शेर बन गया, इन्हें देख के महेंद्र जी वो शार चाक के क्या हंस किया है, विशाल 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 हंस किया है, ये जितनी है जो परीक्षा विशाल विशाल और घटिया हुआ कभी तक नहीं जाइएगा, हंस किया है, समोसे के साथ नहीं खाता मैं हरी चटनी, वो मसाला से समोसे के साथ नहीं खाता मैं हरी चटनी, खाता हूँ मैं टमाटर सॉस, मैं इन सबका बॉस, आपका परिचय, थैंक यू गाइस थैंक यू, मैं वो हूँ जिसकी गिनती सिंगल इस प्लास्टिक में होती नहीं मतलब, लेकिन फिर भी मेरा योगदान पूरे 60% का है गंदगी में। अरे भैया मैं पूछ रहा आप अच्छा बताओ, जब आप कंपनी में जाते हो किसमें होते हैं, अच्छा जब आप घर के बर्तन लेने जाते हो किसमें होते हैं, बच्चों को खाने लेते हो किसमें होते हैं, यहाँ तक की लोग इतना दिखावा करने लगे हैं, शादी का खाना सलाद रायता रोटी सब पन्नी वाले में रखते हैं, और मैं बहुत ही सीधी थी सिंगल प्लास्टिक में, और जो साल भर पहले जो नदियाँ चलती थी वो भी सूख रही है, जंगल में पता नहीं कैसे कैसे जगह पड़े रहते हो, स्वच्छता कर्मियों को इतनी परेशानी होती है तुम्हारी वजह से, इतनी दिक्कतें होती है, शर्म आनी चाहिए। अरे एक बात बताओ, आसमान में पतंगों से ज्यादा पन्नियां उड़ती हैं, और शर्म हमें आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें आनी चाहिए शर्म। भैया क्या है ना, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो हर जगह पन्नियां उड़ाते फिरे, जब कहीं पे भी पिकनिक पे जाते हो क्या करते हो, वहीं पे पन्नी छोड़ आते हो, ये चिप्स कुरकुरे के पैकेट, यहाँ तक की चलने की गाड़ी से भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट उड़ा लेते हो, इतना हल्का सा पैकेट आप लोग अपनी जेब में नहीं रह सकते, हम कूड़ेदान में नहीं डाल सकते, भैया बस नहीं चलता, नहीं तो हवाई जहाज में से भी ये बाहर उड़ाने लग जाए, और ये कुरकुरे चिप्स के पैकेट। अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुमने हमारे इतने सुंदर नैनीताल पूरा घर बना रखा है, जबकि प्रशासन ने जगह जगह कूड़ेदान लगा रखे है, और उन्होंने कूड़ेदान किसे बना रखा है, हमारी नैनी झील को शर्म तुम्हें आनी चाहिए, और जब सूट तेरे गुटके के पैकेट में साफ लिखा हुआ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तुम वही खा रहे हो फिर वही थूक रहे हो और पैकेट वही फेंक रहे हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जब यहाँ पर नैनीताल में घूमने आते हैं या कोई भी अच्छी जगह घूमने आते हो, अब देखा यहाँ पहाड़ों पे, वो पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे तक पानी की बॉटल, नदी के किनारे, नाली के किनारे, हर जगह तुम तो फैलाते हो, अगर प्रत्येक आदमी जब तक ये नहीं समझेगा कि ये बॉटल को हमको डस्टबिन में डालना है या इसको अच्छी जगह सही जगह पर डालना है, तब और शर्म आती है, ये कोई भी साफ जगह ढूंढते हैं ताकि उसे गंदी कर सके, हाँ बचने का घर से बाहर निकलते हो सब्जी खरीदने फल खरीदने, अपना थैला लेके जाओ, ये पन्निया वनिया मत मांगो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, छुटकारा और भैया दूसरी सबसे बड़ी बात, जब जगह जगह डस्टबिन लग रखे हैं, हमारे पर्यावरण में दिन रात नैनीताल को साफ रखने वाला साथ दे रहे हैं, तो आप भी उनका साथ दो, हमको छोड़ देंगे, और पहली बात अगर हमें छुटकारा चाहिए तो तीन आर अपने तीन आर कौन सा तीन आर जो पन्निया है ना इसके बेंच बने हुए थे, और हमारे वहाँ जो है जो टाइल्स बने हुए हैं ना वो भी प्लास्टिक को रीयूज करके उसके बने हैं, सबने एक
की बात दोहराना है। जागो जागो जागो।